सो हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, आज एक बहुत ही मज़ेदार बात मैं आपको बताने वाला हूँ। जब मैं बचपन में बहुत छोटा था तो मैं हमेशा यही सोचा करता था, आखिर हमारे कपड़े किस चीज़ से बनते हैं। मैंने अपनी दादी से यही सवाल पूछा तो मेरी दादी बोली, अरे बेटा मन्नू, कपड़े तो फैब्रिक से बनते हैं, जो वुल होता है ना उससे। तो मैंने अपनी दादी से ये पूछने की हिम्मत तो करी नहीं कि दादी आखिर ये फाइबर और फैब्रिक्स आते कहाँ से हैं। लेकिन आज इस चैप्टर के अंदर हमें पता चलने वाला है कि हमारे जो क्लोथ्स हैं उनका जो फाइबर या फिर फैब्रिक है वो कहाँ से बन के आता है, कौन प्रोड्यूस करता है। तो शुरू करते हैं इस चैप्टर को। तो जो सबसे पहली चीज़ है जो हमें पता होनी चाहिए, दैट इज़ वुल एंड सिल्क के बारे में। तो वुल जो होता है, वुल कहाँ से आता है? वुल आता है शीप से, गोट से, याक से और भी बहुत सारे एनिमल्स से। ये जो वुल देने वाले एनिमल्स होते हैं इनकी बॉडी के ऊपर बहुत ज़्यादा हेयर्स होते हैं, तभी तो हम उन हेयर्स को ले पाते हैं और उन्हीं हेयर्स से हम लोग अपने क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करके उन्हीं हेयर से अपने क्लोथ्स वगैरह भी बना पाते हैं। वो पूरा प्रोसेस डिटेल में समझेंगे। तो क्या तुम लोग जानते हो कि ये जो एनिमल्स होते हैं जिनकी बॉडी पे इतने बड़े बड़े बाल होते हैं कि सोचो तुम्हारे कपड़े बन रहे हैं उनके बालों से, उनके पास ये बाल होते क्यों हैं? उनके पास ये बाल इसलिए होते हैं जिससे कि वो ठंड लगने से अपने शरीर को रोक पाएं, हवा ना लगने दे अपने शरीर को, और जो उनकी बॉडी के अंदर एयर ट्रैप हो जाती है उनकी हेयर्स के अंदर, उसकी वजह से उन्हें ठंड नहीं लगती। ये जो एयर वाला कंसेप्ट है, एयर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है, ये डिटेल में थोड़ा हम नेक्स्ट चैप्टर के अंदर देखेंगे। लेकिन बेसिकली आप ऐसे समझ सकते हो कि सर्दी के टाइम पर हम लोग स्वेटर वगैरह पहनते हैं, मोटे कपड़े पहनते हैं जिससे कि हमें सर्दी ना लगे। तो वो क्यों नहीं लगती हमें? क्योंकि हमने मोटे कपड़े पहने हुए होते हैं। तो ऐसे ही ये जो एनिमल्स होते हैं इनके इतने मोटे मोटे बाल होते हैं, बाहर इतने बड़े बड़े बाल होते हैं, तो इस वजह से इन्हें सर्दी नहीं लगती और इस वजह से ये गर्म भी रहते हैं। लेकिन हम लोग इनके इन बालों को ले लेते हैं, सोचो बेचारे एनिमल्स को कितनी ठंड लगती होगी। नहीं लगती ठंड, देखो कैसे नहीं लगेगी उन्हें ठंड। तो यहाँ पर हमें ये बताया गया है कि लाइक अस द हेयरी स्किन ऑफ द शीप हैज़ टू टाइप ऑफ फाइबर्स। जैसे हम लोगों की स्किन आपने देखा होगा, कुछ लोगों की जो दाढ़ी है, गर्ल्स की तो नहीं होगी, बॉयज की अगर बियर्ड है तो उसके हेयर अलग टाइप के होते हैं, और जो सर के तुम बाल देखोगे वो किस टाइप के होते हैं, बहुत स्मूथ होते हैं, बहुत सॉफ्ट होते हैं सर के बाल। लेकिन अगर आप दाढ़ी देखोगे, कुछ लोगों की बियर्ड देखोगे या कुछ लोगों की मस्टैश मतलब मूछें देखोगे, तो उसके बाल कितने ज़्यादा रफ होते हैं, कितने कोरस होते हैं। तो यही बताया गया है कि जो भी हमारे एनिमल्स हमें फाइबर्स देते हैं उनके फ्लीसीज मतलब जो उनके हेयर हो गए, वो भी आपको ज़्यादातर दो टाइप के देखने को मिलते हैं। जो फर्स्ट वाले होते हैं कोरस बियर्ड हेयर, मतलब जो हमारे बियर्ड के हेयर जैसे होते हैं फर्स्ट वाले, तो और जो सेकंड वाले होते हैं वो होते हैं जैसे हमारे खुद के हेयर होते हैं सर के, बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट, बहुत स्मूथ स्मूथ इस टाइप के। द फाइन हेयर प्रोवाइडेड द फाइबर्स फॉर मेकिंग वूल। सम ब्रीड्स ऑफ शीप प्रोसेस ओनली फाइन अंडर हेयर, देयर पेरेंट्स आर स्पेशली चूजन टू गिव बर्थ टू शीप विच हैव ओनली सॉफ्ट अंडर हेयर। दिस प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग, तो ये जो हमारा प्रोसेस था सेलेक्टिंग पेरेंट्स वाला, इसको थोड़ा समझ लेते हैं एग्जांपल से। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए आप, ये शीप है, ये जो शीप है इसके ऊपर आप जो हेयर्स देख रहे हैं ये बहुत अच्छी क्वालिटी के हेयर्स हैं एज कम्पेयर टू अदर शीप्स। तो हम क्या सोचते हैं कि अगर इस शीप के क्यों ना बच्चे करवा दिए जाएँ पैदा, या फिर अगर ये शीप अपने बच्चे पैदा करेगी, जो इसके बेबीज होंगे उनके भी हेयर इसी से मिलते जुलते होंगे, ऑब्वियसली उनके हेयर्स इनसे मिलते जुलते होंगे, जैसे तुम हो, आप लोग हो, आप लोगों के जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, आप दिखते कैसे हो, आप चलते कैसे हो, आपके फैमिली मेंबर से मिलते जुलते हैं। तो अगर हम इस शीप जिसके बाल बहुत अच्छे हैं इसके बेबी प्रोड्यूस करवाएं तो उनके भी हेयर इसी शीप जैसे होंगे। तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोल देते हैं, इसी प्रोसेस को हम लोग बोल देते हैं सेलेक्टिव ब्रीडिंग। हम सेलेक्ट कर लेते हैं कि इसके बाल बहुत अच्छे हैं और हमने एक मेल शीप देख ली जिसके भी बाल बहुत अच्छे हैं, तो हम क्या सेलेक्ट कर लेते हैं कि ये दोनों के बाल बहुत अच्छे हैं, तो जो इनके बच्चा होगा उसके भी बाल बहुत अच्छे होंगे, तो इनकी ही हम लोग ब्रीडिंग करवाएंगे। ब्रीडिंग मतलब बेबी बॉर्न करवाएंगे इनके। नेक्स्ट देखते हैं, तो यहाँ पर एक मैंने डायग्राम बनाया है जिसके अंदर लिखा है एनिमल दैट यील्ड वुल, मतलब वो वाले एनिमल्स जो वुल देते हैं। यहाँ पर आप पिक्चर से देख सकते हैं कि कितने सारे एनिमल्स हैं,
पता नहीं इससे भी बहुत ज़्यादा एनिमल्स होंगे, लेकिन यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए हैं जो वुल देते हैं, जैसे योक हो गया, और इवन कैमल जो है वो भी वुल देता है, और देखो गोट हो गई, अंगोरा गोट हो गई, और यहाँ पर आपको और भी एनिमल्स दिख रहे हैं। ये सब क्या हैं, ये सब हमें वुल प्रोवाइड करवाते हैं। अब इसी के साथ साथ हम कुछ और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को देख लेते हैं। जो सबसे पहला टॉपिक निकल के आता है वो ये है कि आखिर ये जो एनिमल्स हैं ये खाते क्या चीज़ें हैं, क्या हम इन्हें कुछ स्पेशल चीज़ें खिलाते हैं जिससे इनके बाल इतने बड़े बड़े हो जाते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये एनिमल्स नेचुरल चीज़ें जो और एनिमल्स खाते हैं वही खाते हैं, जैसे ग्रास खा लेते हैं, लीव्स खा लेते हैं, पल्सेस खा लेते हैं, ये सब चीज़ें ही खाते हैं ये लोग भी। और जो ये एनिमल्स हैं इनको ज़्यादातर कहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं, वो एनिमल्स जिनके बड़े बड़े हेयर्स हों, ठंडी जगह पर, जैसे जम्मू हो गया, कश्मीर हो गया, वहाँ पर ठंड रहती है, तो वहाँ पर ये शीप्स वगैरह बहुत अच्छे से रह पाते हैं। क्यों, ऐसा क्यों सर, जम्मू और कश्मीर में ही क्यों, ऐसे तो ये तो गलत बात हो गई सर। ऐसा इसलिए कि सोचो अगर उस शीप को तुम अपने स्टेट के अंदर ले आते हो, मान लो जहाँ पर दिल्ली के अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी है, आप दिल्ली के अंदर ले आते हो उस शीप को उठाकर, तो वो तो यहाँ पर गर्मी से ही मर जाएगी बेचारी। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर के अंदर इतनी ठंड होती है और जो उसके हेयर्स होते हैं वो उसको ठंड से भी प्रोटेक्ट करते हैं और उसको ज़्यादा गर्मी भी नहीं लगती, तो इस वजह से प्रेफरेबल यही होता है कि ये वहाँ पर रहें। इसी के साथ साथ आपको राजस्थान में भी देखने को मिलता है। राजस्थान में कौन सी शीप भैया, सर समझ में नहीं आया, आप तो बोल रहे थे अभी ठंड वाली बात। अरे राजस्थान में हमने देखा था ना, कैमल वगैरह तो राजस्थान में ही होते हैं, तो उनकी बात हो रही है यहाँ पर। नेक्स्ट इज अरुणाचल प्रदेश और गुजरात, यहाँ पर भी हमें देखने को मिल जाती हैं अलग अलग शीप्स। अब यहाँ पर हमें एक छोटा सा फिगर दिया हुआ है जिसके अंदर लिखा है नेम ऑफ द ब्रीड, मतलब ब्रीड का नाम, क्वालिटी ऑफ वुल, और स्टेट वेयर फाउंड, मतलब यहाँ पर नाम लिखे हैं कि इस ब्रीड की, इस क्वालिटी की जो शीप्स हैं इनकी कितना अच्छा इनका वुल होता है। जैसे ये समझ लो, जैसे तुम्हारी क्लास के अंदर डिवीजन कर रहा होता है स्कूल के अंदर कि ये फोर्थ ए है और ये फोर्थ बी है, ये फोर्थ सी है, तो तुम्हारे टीचर्स को जनरली तुमने बात करते हुए सुना होगा कि फोर्थ बी के बच्चे तो बहुत अच्छे हैं, फोर्थ सी के बच्चे तो बहुत गंदे हैं, फोर्थ ए के बच्चे तो चलो ठीक है, एवरेज हैं। तो इस टाइप से टीचर्स बोलते हैं, तो उनका मतलब क्या होता है जब वो ये चीज़ बोल रहे हैं, तो वो एक तरीके से आपको डिवाइड कर दिया, कैटेगराइज कर दिया। तो ऐसे ही जो ब्रीड्स होती हैं इसके अंदर कैटेगरी कर दी हैं शीप्स की, जैसे लोही शीप हो गई, रामपुर वाली हो गई, और नल्ली हो गई, ये सब क्या है, ये सब हमारी ब्रीड्स हो गई, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी हो गई। और फिर इनकी क्वालिटी के बारे में बात करा गया है, जैसे लोही शीप की जो ब्रीड हो गई वो किस टाइप का वुल देती हैं, अच्छी क्वालिटी का देती हैं। कहाँ पर मिल जाएंगे हमें देखने को, ये मिल जाएंगे राजस्थान और पंजाब के अंदर। अब इसी के साथ साथ हमें बेसिकली समझ में आ गया कि कहाँ से हमें सारी चीज़ें मिल रही हैं, लेकिन अब इसको ऑब्टेन करने का क्या प्रोसेस होता है, हम किस तरीके से इसे ले पाते हैं। द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग वुल फ्रॉम द हेयर फाइबर्स ऑफ द एनिमल्स किस तरीके से होता है, तो जो सबसे पहली चीज़ होती है दैट इज़ शीयरिंग। शीयरिंग के अंदर क्या होता है, शीयरिंग के अंदर जो फ्लीसीज होते हैं, जो उनके हेयर होते हैं, उनको रिमूव कर दिया जाता है उनकी स्किन की एक लेयर के साथ, पतली सी एक जो उनकी स्किन की लेयर होती है वो उन बालों के साथ भी निकल जाती है। उससे उन्हें कुछ ज़्यादा डैमेज नहीं होता, ना ही दर्द होता, बहुत ही सिंपल प्रोसेस होता है। शीयरिंग जो होती है वो जनरली हॉट वेदर के अंदर करी जाती है। हॉट वेदर के अंदर क्यों करी जाती है सर, अभी बताया था ना मैंने कि सर्दियों के अंदर उनको ज़रूरत पड़ती है हेयर्स की, तो सर्दियों में अगर आपने शीप के बाल काट दिए तो बेचारी ठंड से ही मर जाएगी, क्योंकि उसके पास हेयर्स नहीं होंगे और ठंड की वजह से उसकी डेथ हो सकती है। तो इस वजह से जितने भी लोग शीप्स पालते हैं वो लोग गर्मियों के अंदर ही शीप्स के बाल काटते हैं, जिससे कि उन्हें ठंड ना लगे और उन्हें क्या हो, उनके हेयर्स भी वो लोग आसानी से ले पाएँ। ये जो शीयरिंग का प्रोसेस होता है, जैसा मैंने आपको बताया कि इसे बिल्कुल भी कोई भी नुकसान नहीं होता शीप्स को। तो अब आते हैं स्टेप नंबर टू पे, दैट इज स्काउरिंग। स्काउरिंग के अंदर क्या होता है, देखिए यहाँ पर जो भी हमने हेयर्स कलेक्ट करे थे अभी शीप से, उनको क्लीन करा जाता है। क्लीन करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, आपको पता है कि शीप्स हैं, ह्यूमन बींग्स की तरह तो है नहीं कि रोज़ नहा रहे हैं धो रहे हैं, ये सब नहीं, और गंदगी में भी लेट जाते हैं कहीं पर भी। तो इस वजह से जो भी उनके हेयर्स के अंदर डर्ट होती है, ग्रीस होती है, डस्ट होती है, उस सबको रिमूव करा जाता है। और ये सारा प्रोसेस जनरली एक मशीन की हेल्प से करा जाता है।
अब सेकंड स्टेप भी कंप्लीट हो गया, उनके हेयर्स भी साफ हो गए। अब इसके बाद सॉर्टिंग का प्रोसेस होता है। सॉर्टिंग के प्रोसेस के अंदर क्या होता है, जो हेयर थोड़ा अच्छी क्वालिटी के होते हैं उन्हें सेपरेट कर दिया जाता है उन हेयर से जिनकी क्वालिटी थोड़ी खराब होती है। तो इस तरीके से हम लोग सॉर्ट आउट कर लेते हैं, मतलब जो ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के हेयर्स होंगे वो ऑब्वियसली महंगे सेल होते हैं, और जो थोड़ा लो क्वालिटी के हेयर्स होते हैं उनको थोड़ा सस्ता सेल करा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है रिमूविंग ऑफ बर्ड्स। रिमूविंग ऑफ बर्ड्स क्या होता है, जो हमने हेयर पिक करे होते हैं इनके ऊपर भी छोटे 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 कुछ फाइबर्स टाइप लगे होते हैं, जैसे आपने अपने घर में देखा होगा, अपने स्वेटर्स पे देखा होगा, जिन्हें हम लोग बोलते हैं रुएं टाइप हो जाते हैं, कुछ एक चीज़ ऊपर ऊपर आ जाती है, उनके फाइबर से निकल जाते हैं। तो उस चीज़ को अब रिमूव करा जाता है फोर्थ स्टेप के अंदर, और फिर दोबारा से इन हेयर्स को क्लीन करा जाता है और अच्छे से सुखाया जाता है। अब इसको फाइबर्स के अंदर कन्वर्ट करने के लिए रेडी कर दिया जाता है, मतलब अब ये फाइबर के अंदर कन्वर्ट हो सकता है। लेकिन उससे पहले एक और स्टेप करा जाता है, फिफ्थ स्टेप, जो कि है कलरिंग ऑफ वुल फाइबर्स। क्या करा जाता है यहाँ पर, जितने भी हमारे वुल के फाइबर्स होते हैं इन सबको कलर करा जाता है। जो आप देखते हो येलो कलर का आपने स्वेटर पहना है, आपने ब्लू कलर का स्वेटर पहना है, ग्रीन कलर का स्वेटर पहना है, तो ये सब कलर कोई शीप तो प्रोड्यूस कर नहीं रही है, उन्हें ऑब्वियसली ह्यूमन बींग्स ही कलर करते हैं। तो अब उन सब कलर्स को कलर करा जाता है। नेक्स्ट इज रोलिंग ऑफ वुल। अब इसके बाद जब हमने कलर भी कर लिया, इसके बाद वुल को रोल करा जाता है। रोल करके क्या करा जाता है, वुल को धागों की फॉर्म में लेकर आया जाता है। जैसे आपने अपनी दादी वगैरह को ये यूज़ करते हुए देखा होगा, जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है बॉल, इस टाइप की बॉल को आपने यूज़ करते हुए देखा होगा जनरली। और ये जो बॉल होती है, इससे स्वेटर वगैरह बनाते हुए देखा होगा आपने दादी को, या फिर अगर आप कभी बुटीक पे गए होंगे तो उन लोगों को देखा होगा। तो वो लोग इन सबको कहाँ से लेकर आते हैं, वो यहीं से लेकर आते हैं, ये वुल ही होता है, और इसी को वो यूटिलाइज करते हैं फिर फर्दर क्लोथ्स बनाने में। अब आ जाते हैं ऑक्यूपेशनल हैज़र्ड्स पे। मतलब क्या कि हमने ये सारा प्रोसेस तो समझ लिया, अब इसके बाद जो लोग यहाँ पर काम करते हैं उन लोगों को क्या क्या रिस्क फेस करने को मिल सकती है। देखिए यहाँ पर जो भी लोग काम करते हैं उनकी डेथ भी हो सकती है, इतना खतरनाक काम होता है ये। अच्छा सर, इतना खतरनाक होता है, लेकिन इतना खतरनाक कैसे होता है सर? देखो एक बीमारी होती है जिसका नाम होता है सॉर्टर्स डिसीज़, और ये जो है ये एक तरीके का ऑक्यूपेशनल हैज़र्ड है, जिसको एसोसिएट करा जाता है प्रोडक्शन ऑफ वुल से। मतलब क्या होता है कि जो लोग भी सॉर्ट कर रहे होते हैं, इनके बालों को एक जगह से दूसरी जगह सॉर्ट आउट कर रहे होते हैं कि ये अच्छी क्वालिटी के हैं गंदी क्वालिटी के हैं, उन्हें ये बीमारी लगने का चांस ज़्यादा होता है। द पीपल हु सॉर्ट द वुल कैन गेट इन्फेक्टेड बाय बैक्टीरिया कॉल्ड एंथ्रेक्स। और कौन से बैक्टीरिया से ये इन्फेक्ट हो सकते हैं, ये हो सकते हैं एंथ्रेक्स बैक्टीरिया से। एंथ्रेक्स क्या होता है, एक टाइप का बैक्टीरिया होता है जो इनके ब्लड के अंदर एंटर कर लेता है, और इनकी डेथ भी हो सकती है इस बीमारी से। तो काफ़ी वो लोग रिस्क उठाते हैं और तब जाकर आपके लिए क्या वुल प्रिपेयर कर पाते हैं। तो जो नेक्स्ट टॉपिक बच्चों बताया गया है वो है द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क। अब सिल्क कैसे मिलता है हमें, सिल्क वॉर्म से ऑब्टेन करा जाता है। और ये जो प्रोसेस है जिसके अंदर हम लोग सिल्क वॉर्म्स को पालते हैं, पोसते हैं, जिससे कि वो बड़ा होकर हमें सिल्क दें, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सेरिकल्चर। सेरिकल्चर का पूरा प्रोसेस समझने के लिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि कैसे एक सिल्क मॉथ सिल्क को प्रोड्यूस कर पाता है। तो सबसे पहले जो फीमेल मॉथ होती है, मतलब जो फीमेल मॉथ होती है वो छोटे छोटे अपने एग्स ले करती है, किसके ऊपर, पत्तियों के ऊपर। तो वो जो एग्स होते हैं वो एग्स जैसे जैसे करके बड़े होते जाते हैं, बड़े होकर वो वहीं पर उसी पत्ती के ऊपर अपना खाना पीना चालू कर देते हैं, मतलब किसको खाना, अपनी पत्तियों को ही खाना स्टार्ट कर देते हैं। धीरे धीरे कर ये जो छोटे छोटे हमारे टाइनी एग्स थे ये बड़े होकर क्या बन जाते हैं, कैटरपिलर्स। कैटरपिलर क्या चीज़ खा रहे होते हैं, वो जो पत्तियां होती हैं उन्हें ही खा रहे होते हैं कम से कम 3 से 4 हफ्ते तक। और फिर एक टाइम बाद ऐसा होता है कि ये जो कैटरपिलर्स होते हैं ये अपने आसपास क्या करने लग जाते हैं, कुछ धागे टाइप चीज़ प्रोड्यूस करने लग जाते हैं। ये जो धागे टाइप चीज़ होती है ये अपने आसपास पूरा एक शेल टाइप बना लेते हैं, जैसे एक ऊपर से पूरी किसी ने कोटिंग कर दी हो या एक बॉक्स टाइप बना दिया हो, तो ये अपने आप को उससे पूरा अच्छे से कवर कर लेते हैं, स्पिन कर करके अपना मुंह इधर उधर घुमा घुमा के।
अब ये जो कैटरपिलर होते हैं ये इस शेल के अंदर चेंज होना चालू होते हैं, चेंज होते होते ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, कुकून के अंदर। और जब ये कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू प्यूपा, और ये किसके अंदर हो रहा होता है ये पूरा प्रोसेस एक कुकून के अंदर, मतलब वो जो शेल था उसका नाम हमने क्या रखा है, कुकून रखा है। तो ये जो कुकून होता है इससे हमारा क्या निकलता है, हमारा प्यूपा निकलता है, और प्यूपा किसके अंदर कन्वर्ट हो गया होता है, एक एडल्ट मौथ के अंदर। अब यहीं से हम लोग पूरा प्रोसेस समझते हैं कि किस तरीके से एक लाइफ साइकिल चलता है एक सिल्क मौथ का। तो जो एग्स होते हैं, सबसे पहले इसने एग्स ले करे अपने, ठीक है। अब ये जो एग्स थे ये धीरे धीरे कर बड़े हुए, बड़े होने के बाद इन्होंने लीव्स वगैरह खाई, और इस वाली स्टेज पर क्या बोल देते हैं हम लोग इन्हें, प्यूपा बोल देते हैं। ये जो कैटरपिलर हैं धीरे धीरे करके अपने आसपास क्या बनाना चालू करते हैं, एक नेट, या फिर जैसे मैंने आपको बताया था कि एक अपने आसपास कवरिंग टाइप कर लेते हैं, लोग अपने आप को कवर कर लेते हैं धागे जैसी चीज़ से। जो कैटरपिलर होते हैं ये आसपास ये चारों तरफ से अपने आप को कवर कैसे कर पाते हैं, ये अपना सर इधर उधर घुमाते रहते हैं और चारों तरफ क्या करते रहते हैं, सिल्क से अपने आप को कवर करते रहते हैं। जैसे जैसे कर ये अपना पूरी बॉडी को कवर करते रहते हैं, ये जो सिल्क होता है ये जनरली बना किस चीज़ का होता है, ये जो फाइबर बना होता है ये किस चीज़ का बना होता है, ये बना होता है प्रोटीन्स का। और जैसे ही ये प्रोटीन कॉन्टैक्ट के अंदर आता है एयर के, ये हार्ड हो जाता है, बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है, और हमारा सिल्क फाइबर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। कैटरपिलर अपने आप को चारों तरफ से कवर कर लेते हैं सिल्क से, और अपने आप को किसके अंदर चेंज कर लेते हैं, ये जब कम्प्लीटली कवर हो जाते हैं सिल्क से तो अपने आप को प्यूपा के अंदर चेंज कर लेते हैं। तो ये जो कैटरपिलर की कवरिंग थी इसका नाम हमने क्या रखा था, कुकून रखा था, हमने नहीं रखा, मतलब बहुत पहले ही पता नहीं किसने रख दिया, लेकिन हाँ इसको हमने कुकून बोला था। ये जो कैटरपिलर हैं जब कुकून से बाहर निकलते हैं तब ये कम्प्लीटली क्या बन चुके होते हैं, एक सिल्क मौथ, मतलब एक बड़ा सा कीड़ा, या फिर आपने देखा होगा कि एक जो हमारी तितली बोलते हैं जिसे हम लोग बटरफ्लाइज बोलते हैं, इस टाइप के ये देखने में हमें लगते हैं। और ये जो हमने कुकून था, मतलब जो इनकी कवरिंग थी, ये क्या किस काम आती है, यही तो हमारे मेन काम आती है। ये जो कुकून जिस कवरिंग के अंदर ये अंदर बड़े हुए थे, कन्वर्ट हुए थे एक बटरफ्लाई के अंदर या फिर एक सिल्क मौथ के अंदर, वो जो कवरिंग थी वही हमारे काम की है, क्योंकि उसी कवरिंग से हम लोग क्या बनाने वाले हैं, सिल्क बनाने वाले हैं। अब यहाँ पर एक और चीज़ निकल के आती है कि ये जो सिल्क होता है, ये सिल्क आपको डिफरेंट डिफरेंट वेराइटी का भी देखने को मिल सकता है। समझ ही गए होगे कि डिफरेंट वैरायटी का कैसे देखने को मिल जाएगा। आपको पता है कि सिल्क मौत कोई ऐसा तो है नहीं कि एक ही टाइप का होगा, बहुत सारे टाइप के सिल्क मौत्स होते होंगे। तो जितने टाइप के सिल्क मौत्स उतने टाइप का हमारा सिल्क, किसी का सिल्क डिफरेंट टाइप का होगा, किसी का सिल्क की क्वालिटी ज़्यादा अच्छी होगी, किसी के सिल्क की क्वालिटी थोड़ी पुअर होगी। जनरली हम लोगों को ये देखने को मिलता है कि मलबरी सिल्क मौत जो होता है वो ज़्यादातर हमें देखने को मिलता है। मलबरी सिल्क मौत इसका नाम क्यों रखा गया है, क्योंकि ये ज़्यादातर मलबरी जो पेड़ होता है उसकी पत्तियों पर देखने को मिलता है, जनरली हमें इसी का देखने को मिलता है। और जो इसका सिल्क होता है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, इलास्टिक होता है, और शाइन भी करता है बहुत अच्छे से। तो ये एक आपको एग्जांपल दिया है मैंने। अब इसी के बाद हम लोग देखते हैं कि रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स, रियरिंग का मतलब पालना, जो लोग पालते हैं और इनको इनके जो अंडे हैं जो लोग इनके अंडों को रखते हैं और पालते हैं जिससे कि वो लोग बाद में इनसे सिल्क ले पाएँ। तो जो सबसे पहली चीज़ है वो आपको ये समझनी है कि ये जो एग्स होते हैं ये जनरली बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर में होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर ये लोग एग देते हैं जो सिल्क मौत होते हैं। लगभग 100 अंडे देते हैं ये एक बार में, सोचो कितने सारे एग्स हो गए। ये जो एग्स होते हैं इनको क्या करा जाता है, इनको एक जगह पर स्टोर करा जाता है, इनको एक जगह पर रखा जाता है जहाँ पर क्या हो, जहाँ पर ज़्यादा गर्मी भी ना हो, ह्यूमिडिटी भी ना हो, और साफ़ सुथरी भी हो वो जगह। धीरे धीरे करके ये एग्स आपको पता ही है कैसे कन्वर्ट होना स्टार्ट होते हैं, ये एग्स जो हैं ये कन्वर्ट होते हैं और ये क्या करते हैं, थोड़े बड़े होने के बाद जो पत्तियाँ होती हैं उन्हें खाते हैं, पत्तियों को खाते खाते ये फिर किसके अंदर चेंज हो जाते हैं, आपको पता है कैटरपिलर के अंदर। कैटरपिलर अपने आप को चारों तरफ से एक कवरिंग से कवर करता है, दैट इज़ कुकून। अब ये जो कुकून से ये लोग अपने आप को चारों तरफ से कवर कर लेते हैं, इसके बाद ये किसके अंदर चेंज हो जाते हैं, सिल्क मौत के अंदर। और हम लोग जो इनका बचा हुआ कुकून होता है इसको यूज़ कर लेते हैं, हम लोग इसको अपने पास
रख लेते हैं और इसी से सिल्क हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं। अब हमें बहुत सारा कुकून मिल गया, अब इस कुकून को हम लोग कैसे प्रोसेस करेंगे और इससे कैसे सिल्क बनाएंगे। फर्स्टली जो ये कुकून था ये सन के अंडर रखा जाता है, सन के अंदर रखा जाता है और इसको फिर बॉयल करा जाता है। बॉयल करके क्या होता है कि बॉयल करने से ये एक तो सेपरेट बहुत आसानी से होने लग जाता है जब हम इस कुकून को बॉयल करते हैं, और प्लस जो डर्ट वगैरह होती है वो भी इससे निकल जाती है। उसके बाद रीलिंग ऑफ सिल्क करी जाती है, मतलब ये जो जैसे ही हम इसको बॉयल करते हैं तो अलग अलग धागे टाइप हमें देखने को मिलते हैं, फिर इसके बाद जो ये धागे निकले हुए होते हैं इनको रील्स के अंदर लपेट दिया जाता है। रील्स जो आपने देखा होगा कि कभी आप जैसे शॉप वगैरह पर जाते हैं या फिर आपकी मम्मी को जनरली देखा होगा कि वो बोलती हैं कि एक रील ला दो जिससे कि मैं कपड़े सही कर पाऊँ, सिल पाऊँ, कपड़े बुन पाऊँ। सिलते बुनते देखा होगा आपने अपने पेरेंट्स को कभी, या फिर किसी बटन को आपकी शर्ट के कनेक्ट करते हुए देखा होगा एक धागे से, तो वो जो धागा होता है वो कैसे लपेटा हुआ होता है एक रील की फॉर्म में। तो इसी तरीके से एक सिल्क को रील के अंदर अच्छे से स्पिन कर दिया जाता है, उसके ऊपर बांध दिया जाता है, लगा दिया जाता है। ये जो प्रोसेस होता है ये आप समझ गए होंगे पूरा यहाँ तक। अब यही जो प्रोसेस होता है इसी को हम लोग बोल देते हैं प्रोसेसिंग ऑफ सिल्क। ये हमारा चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर था, मेरे को तो बहुत मज़ा आया इस चैप्टर को पढ़ के और बहुत सारी चीज़ें समझ में आई। तो अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और एक और चीज़ कि स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी और मन्नू से ज्ञान लेते रहो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।